अपनी मांगों को लेकर वार्ड सचिव भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। भाजपा कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में वार्ड सचिव धरना पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बिहार के कई जिलों से आए वार्ड सचिव हंगामा करने लगे, वहां पथराव करने लगे। वार्ड सचिवों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे बीजेपी कार्यालय के बाहर अफरा तफरी मच गई। गौरतलब है कि पटना के गर्दई बाग में 13 दिन से पंचायत वार्ड सचिव धरना पर बैठे थे। बड़ी संख्या में जो आप दिख रहा है, इनके साथ न्याय किया जाए, इनके परिश्रम का परिणाम दिया जाए, इनको सरकारी नौकरी पक्की की जाए। सबका जीवन चलना है, सिर्फ अडानी अंबानी का जीवन नहीं चलना है। क्या बैंक और रेलवे और सब कुछ बेच दीजिएगा, यहाँ नियम चलना है। सभी लोगों को नौकरी दिया जाए, पक्का किया जाए, और जो लोग काम कर चुके हैं उन सबको पक्का किया जाए। तो बीजेपी कार्यालय ही क्यों, बीजेपी कार्यालय क्यों, ये आप बताइए। सरकार किनकी है, बिहार में किन की सरकार है, केंद्र में किन की सरकार है, तो हम सरकार के पास जाएंगे ना। अभी तो कोई प्रतिनिधि आए कि नहीं, नहीं आए हैं तो नहीं आए तो आ जाएंगे। मोदी जी भी बोले थे कि किसान आंदोलन गलत है, आपने परिणाम देखा, किसान आंदोलन के पक्ष में उनको वापस लेना पड़ा। अभी प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन अभी जबरदस्ती करके ताकत उपयोग करके हमको ठेलने का काम किया है, हमको हटाने का काम किया है। हम बोले हम हटने वाले नहीं है, हम घटने वाले नहीं है। ये मन से आप निकाल के फेंक दीजिए, अगर 50 ले जाइएगा तो 500 आएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं बिहार कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, मीडिया प्रभारी हूँ। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।